अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ फंक्शन डिस्कस कर रहे थे, हमने अल्जेब्रिक फंक्शन डिस्कस कर लिए थे। अब नेक्स्ट जो टाइप है वो हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। वी डिनोट एंड डिफाइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एज फॉलोज। यहाँ पर हमारे पास छह टाइप्स के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन ऑफ एक्स, कॉस ऑफ एक्स, टेन ऑफ एक्स, कॉट ऑफ एक्स, सेकेंड ऑफ एक्स, कोसेकेंड ऑफ एक्स। ये सारी हमारे पास छह जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती है उनको उन्होंने फंक्शन वाली फॉर्म में लिख दिया, यानी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाली फॉर्म में लिख दिया। जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जहाँ पे थीटा की जगह अल्फा की जगह x ले लिया और y, इसको y के इक्वल पुट कर दिया, ये फंक्शन वाली फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। अब यहाँ पर साइन ऑफ एक्स और कॉस ऑफ एक्स का आपको डोमेन और डोमेन जो है वो r है और रेंज जो है वो -1 to 1 के बीच में। जो साइन और कॉस होता है उसका जो ग्राफ होता है वो इस फॉर्म में होता है, यानी जो वेव बनती है और वेव जो होती है वो दोनों एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस दोनों के साइड पर वो एक्सटेंड हो रही थी। हम जितना चाहे उसको बढ़ा सकते हैं, वो वेव कंटिन्यू होती जाएगी, वो अनडिफाइंड नहीं होगा कहीं पे। लेकिन जो रेंज है यानी जो उसकी हाइट है, जो वाई एक्सिस पर जो है यानी एक्स पुट करने से जो हमारे पास आंसर्स आते हैं वो 1 और -1 के बीच में रहते हैं। तो उसकी रेंज होगी वो 1 और -1 के बीच में रहेगी, क्योंकि जो वेव है उसकी हाइट जो है वो 1 और -1 के बीच में रहेगी, यानी जो एक्स की वैल्यू पुट करने से हमारे पास आंसर आते हैं वो -1 और 1 के बीच में रहते हैं। तो इन दोनों के डोमेन, क्योंकि हम कुछ भी ले सकते हैं एक्स पर, वो एक्स बढ़ता जाता है इस साइड पे भी, पॉजिटिव पे भी और नेगेटिव पे भी, तो हम इसके डोमेन सारे रियल नंबर ले सकते हैं, लेकिन जो रेंज आएगी वो -1 to 1 के बीच में होगी। नेक्स्ट हमारे पास है टेन ऑफ एक्स। टेन ऑफ एक्स की जो डोमेन है वो हमारे पास है x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x नॉट इक्वल टू, यहाँ नॉट इक्वल टू 1 है, 2n+1 इंटू π/2 वेर n इज इंटीजर और जिसकी रेंज है वो रियल नंबर है। जो हमारे पास tan फंक्शन होता है वो हमारे पास होता है साइन ऑफ x डिवाइड बाय cos ऑफ x। अब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जहां पर फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा हो तो वहां पे डोमेन का पॉइंट्स नहीं आते। कॉस ऑफ एक्स हमारे पास अगर जीरो आ जाए तो ये पूरी साइन ऑफ एक्स डिवाइड बाय कॉस ऑफ एक्स ये अनडिफाइंड हो जाएगा, और कॉस ऑफ एक्स हमारे पास जीरो आ सकता है जब हमारे पास एक्स की वैल्यूज जो है वो 90 के मतलब π/2 यानी 90 के मल्टीपल्स, अगर हमारे पास ऑड मल्टीपल्स, 2n+1 का मतलब है ऑड नंबर आएगा, 90 आ जाए, 270 आ जाए, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं π/2 आ जाए, 3π/2 आ जाए, 5π/2 आ जाए, तो यहाँ जब हमारे पास ये वैल्यूज आती हैं तो कॉस ऑफ एक्स जो होगा वो जीरो हो जाएगा। समथिंग ओवर जीरो जो होता है वो इन्फिनिटी होता है और टेन ऑफ एक्स जो होता है अनडिफाइंड हो जाएगा। तो डोमेन में हमारे पास सारे रियल नंबर आ सकते हैं और एक्स जो है वो 2n+1 इंटू π/2 के इक्वल नहीं हो सकता, यहाँ नॉट इक्वल टू कर लीजिए और एन। और रेंज में हमारे पास, क्योंकि इसका ग्राफ इस फॉर्म में होता है वो y की डायरेक्शन में ही, क्योंकि ये जो x होती है y एक्सिस होती है, y एक्सिस की डायरेक्शन में अपवर्ड्स भी और डाउनवर्ड्स भी जितना भी हम चाहें इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी जो आंसर होता है उसके ऊपर भी इन्फिनिटी पे जा रहे होते हैं और नीचे वाली साइड पे भी इन्फिनिटी पे, क्योंकि हमारे पास 90 पर वो इन्फिनिटी बन जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास tan जो होता है तो ये पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड दोनों पर ये इन्फिनिटी को अप्रोच, यानी इसको हम कितना भी चाहें बढ़ा सकते हैं। इसी तरह cot ऑफ x है, cot ऑफ x में उलट होता है, cos ऑफ x ऊपर आ जाता है, sin ऑफ x नीचे चला जाता है। अब जहां sin ऑफ x जीरो होगा वहां पर हमारे पास cot ऑफ x जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा, इसी तरह जैसे हमने tan में निकाला। sin ऑफ x हमारे पास जीरो कहां होता है, जहां पर n पाई होता है, n पाई का मतलब 1π, 2π, 3π, 4π, जहां पर भी ये सारी वैल्यूज आती है वहां पर sin ऑफ x जो है वो जीरो हो जाएगा और cot ऑफ x जो होता है वो cos ऑफ x डिवाइड बाय sin ऑफ x होता है, तो फिर हमारे पास sin ऑफ x जीरो हो जाएगा, समथिंग ओवर जीरो अनडिफाइंड हो जाएगा और वहां पर हमारे पास cot ऑफ x अनडिफाइंड हो जाएगा। यानी हमारे पास cot ऑफ x की डोमेन सारे रियल नंबर आ सकते हैं सिवाय n पाई की, और रेंज इसकी भी tan की तरह जैसे ग्राफ बनता है उसी तरह से इसका भी अनलिमिटेड जो होता है वो y में डायरेक्शन में अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में चल सकता है। y इज इक्वल टू secant ऑफ x एंड y इज इक्वल टू cosecant ऑफ x। जो secant होता है उसमें क्या होता है, 1 डिवाइड बाय cos ऑफ x होता है, जो cosecant होता है वो 1 डिवाइड बाय sin ऑफ x होता है, tan जो होता है उसमें भी नीचे cos होता है और secant में भी हमारे पास cos होता है नीचे, क्योंकि secant जो होता है वो 1 ओवर cosec। जो tan के हमारे पास डोमेन आएगी वही हमारे पास secant की डोमेन आएगी, क्योंकि वहां पर भी जहां पर tan अनडिफाइंड होगा secant भी वही अनडिफाइंड होगा, क्योंकि दोनों के नीचे cos है। इसी तरह cot के नीचे sin होता है और secant के नीचे sin होता है, तो जहां cot अनडिफाइंड होगा वहीं पर secant भी अनडिफाइंड होगा, तो हमारे पास tan और secant की डोमेन एक जैसी होगी और cot और cosecant की डोमेन जो है वो एक जैसी होगी। नेक्स्ट इनकी रेंज हमारे पास जो होती है secant और cosecant की वो हमारे पास इस तरह की बनती है।
जो सीकेंट और कोसिकेंट होते हैं उनकी जो हमारे पास ग्राफ बनते हैं वो इस तरह बनते हैं, वो माइनस वन से ऊपर होते हैं और माइनस वन से नीचे, यानी माइनस वन से लेस वैल्यूज आती हैं और प्लस वन से ग्रेटर वैल्यूज आती है। तो उसकी रेंज इस फॉर्म में आती है, वाई जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू वन है और वाई जो है वो लेस देन और इक्वल टू, ये वन वाली भी इंक्लूड हो जाती है इसमें, ये फिर शो नहीं होता है इसलिए मैंने इसको थोड़ा नीचे रखा है। ये वन से लेके पॉइंट और माइनस वन से पॉइंट नीचे और ये प्लस वन से लेके सारे पॉइंट ऊपर तक आ जाते हैं। तो ये हमारे पास हो जाती है डोमेन और रेंज सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। नेक्स्ट हमारे पास है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स क्या होता है कि साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x आ जाएगा, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x आ जाएगा, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, यानी इनको हमने इनवर्स ले लिया। अब जो हमारे पास रेंज है वो यहाँ पर डोमेन बन जाएगी, यानी x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। जैसे यहाँ पर हमारे पास साइन ऑफ x और कॉस ऑफ x की थी, y जो था वो माइनस वन से वन के बीच में था और कॉस का भी यही था, और टेन में हमारे पास क्या था, यही पहले हम साइन और कॉस का देखें, टेन जो हमारे पास था वो इसकी डोमेन जो थी वो सारे रियल नंबर था, जो टेन की रेंज है वो हमारे पास सारे रियल, मीनिंग माइनस रियल नंबर का मतलब क्या, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सारे नंबर आते हैं। तो ये वाले जो हमारे पास पहले वाई में थे साइन के, कॉस के और टेन के, वो हमारे पास अब एक्स में चले जाएंगे, यानी माइनस वन लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू वन, और कॉस के लिए भी क्या, कॉस इनवर्स के लिए भी क्या हो जाएगा, माइनस वन लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू वन। और रेंज यहाँ पर हमारे पास क्या है, y, यानी जो y है tan का वो हमारे पास r है, r का मतलब क्या, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, ये y का था अब ये x में चेंज जाएगा। अब नेक्स्ट इनकी हमारे पास y की वैल्यू, यानी रेंज क्या बनेगी, माइनस वन से वन साइन तब होता है, साइन वन तब होता है जब पाई बाय टू पे, 90 पे साइन वन होता है और माइनस पाई बाय टू पे माइनस वन होता है। तो यहाँ पे 1 से लेके अगर माइनस वन हमारे पास x की वैल्यू है तो साइन कहाँ 1 होता है पाई बाय टू पर, और माइनस वन कहाँ होता है माइनस पाई बाय टू पर। तो ये इसकी रेंज हमारे पास यहाँ से पाई बाय टू से माइनस पाई बाय टू तक रहेगी। इसी तरह कॉस हमारे पास 1 होता है 0 पर और माइनस वन कहाँ होता है वो पाई पर होता है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास 1 यहाँ पे आ जाएगा 0 और पाई वैल्यू आ जाएगी, यानी जो हमारे पास अगर x 1 से माइनस वन के बीच आ रहा है तो उसका मतलब जो y है वो 0 से पाई तक जा रहा है, क्योंकि माइनस वन से लेके 1 अगर cos में अगर हम देखें तो 0 से लेके पाई के दरमियान होता है। इस तरह tan इनवर्स x हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक आ रहा है, प्लस इन्फिनिटी तब आता है tan जो होता है वो 90 पर अनडिफाइंड हो जाता है, मतलब इन्फिनिटी वाला सिंबल आ जाता है। तो पाई बाय टू हमारे पास इन्फिनिटी पर आता है और माइनस पाई बाय टू माइनस इन्फिनिटी पर आता है। तो यहाँ पर माइनस पाई इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के दरमियान। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब होता है कि पावर वाली फॉर्म में, यानी जो हमारे पास वेरिएबल है वो पावर में चला जाए, एक्सपोनेंट में चला जाए। अ फंक्शन इन विच द वेरिएबल अपेयर्स एज एक्सपोनेंट या पावर इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। द फंक्शन वाई इज इक्वल टू e of ax, यानी e टू रेस पावर ए एक्स, y इज इक्वल टू e टू रेस पावर x, y इज इक्वल टू 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 रेस पावर x, या हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं e of x नेचुरल लॉग ऑफ टू। ये यानी हमारे पास किसी भी चीज की पावर वाली फॉर्म है वेरिएबल, यानी जो x है वेरिएबल है वो हमारे पास पावर में, यहाँ पर भी पावर में है, यहाँ पर भी पावर में है, यहाँ भी पावर में है। इस टाइप के फंक्शन को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नेक्स्ट है लॉगरिथमिक फंक्शन। ऐसे फंक्शन जिसमें हमारे पास लॉग आ जाए, चाहे वो नेचुरल लॉग हो, यानी लॉग ऑफ बेस 10 हो, जिसको हम सिर्फ लॉग लिख देते हैं, लॉग ऑफ बेस 10 कहते हैं इसको हम एल ओ जी वाली फॉर्म में लिख के, लॉग ऑफ एक्स विच इज नॉन एज कॉमन लॉगरिथम ऑफ एक्स, ये हम कॉमन लॉगरिथम होता है, हम लॉग 10 भी लिख देते हैं, और 10 ना भी लिखें सिर्फ लॉग लिखा हो तो उसका मतलब जो लॉग ऑफ बेस ई होता है, बेस 10 होता है सॉरी। एक होता है हमारे पास अगर बेस ई है तो फिर वो बन जाता है नेचुरल लॉगरिथम, लॉग ई एक्स, या इसको हम सिंपली एल एन लिख देते हैं लॉग ई की लिखने की वजह, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। अब हमारे पास फंक्शन में या तो लॉग ऑफ बेस 10 हो या लॉग ऑफ बेस ई हो, इन दोनों में से कोई भी हो तो जो फंक्शन होता है वो हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन होता है। जो हमारे पास सिंपल वाली इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू ए वाई, जब इसको हम लॉग वाली फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो y इज इक्वल टू लॉग ए एक्स बन जाता है। अब चाहे हमारे पास यहाँ पर नेचुरल लॉग आ जाए या कॉमन लॉगरिथम आ जाए, जो इक्वेशन या फंक्शन जो बनेगा वो हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन ऑफ x बन जाता है। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शन। हाइपरबोलिक साइन कोसाइन और टेन फंक्शन और उसके बाद
सिकेंड कोसिकेंड और कॉट वाला फंक्शन आता है, ये डिफाइंड फंक्शन है। ये साइन हाइपरबोलिक x हमारे पास होता है 1/2 e2 रेज पावर x माइनस e2 रेज पावर माइनस x, ये हमारे पास साइन हाइपरबोलिक साइन फंक्शन है और ये एज इट इज डिफाइन होता है। इसी तरह cos में हमारे पास क्या हो जाता है 1/2 e ऑफ x प्लस e ऑफ माइनस x, इसके हमारे पास डोमेन और रेंज जो होती है वो सारे सेट ऑफ रियल नंबर्स आ जाता है जो साइन वाला होता है। इसके डोमेन जो है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है और जो रेंज है वो हमारे पास 1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स नहीं आएंगे, 1 से लेके इन्फिनिटी तक आ जाएंगे। द रिमेनिंग 4 हाइपरबोलिक फंक्शन आर डिफाइंड एज इन टर्म्स ऑफ हाइपरबोलिक साइन एंड हाइपरबोलिक कोसाइन फंक्शन, यानी अगर हमारे पास साइन और कोसाइन वाला फंक्शन है उसके बाद हम बाकी सारे फंक्शन उनको यूज करते हुए डिफाइन कर सकते हैं। टैन जो होता है वो साइन हाइपरबोलिक एक्स डिवाइड बाय कॉस हाइपरबोलिक एक्स होता है, तो ऊपर हम साइन हाइपरबोलिक एक्स रखेंगे और नीचे कॉस हाइपरबोलिक एक्स, तो हमारे पास ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, साइन वाला नेगेटिव ऊपर आ जाएगा कॉस वाला नीचे चला जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कोसिक, अगर कॉट वाला देख ले पहले, कॉट में ऊपर कॉस हाइपरबोलिक एक्स होता है नीचे साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है, तो कॉस वाला ऊपर चला जाएगा साइन वाला नीचे चला जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ये वाली फॉर्म आ जाएगी। इसी तरह सिकेंड हाइपरबोलिक जो होता है वो 1/ कॉस हाइपरबोलिक एक्स होता है, क्योंकि सिकेंड एक्स होता है 1/ कॉस एक्स होता है, तो सिकेंड हाइपरबोलिक एक्स 1/ कॉस हाइपरबोलिक एक्स आ जाएगा। तो इसमें हम सेकेंड वाले में कॉस हाइपरबोलिक एक्स को उलट कर देंगे, ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये एक्स वाले जो टर्म है वो नीचे आ जाएगी। इसी तरह कोसेकेंड हाइपरबोलिक एक्स में हम क्या करेंगे 1/ साइन हाइपरबोलिक एक्स आ जाएगा और ये साइन हाइपरबोलिक एक्स में वाली जो है वो जो ऊपर है वो टर्म नीचे आ जाएगी और जो नीचे है वो ऊपर चली जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। ये हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शन हैव सेम प्रॉपर्टीज दैट रिजेंबल टू दोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी जो हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शन होता है उनकी भी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट वही होती है जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज होती है। नेक्स्ट है हमारे पास इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, यहाँ पर उन्होंने उसके फॉर्मूलाज डिफाइन कर दिए और ये उनको ड्राइव नहीं किया कि किस तरह से निकले, बस हमने इन फॉर्मूलाज को पढ़ना है एज इट इज याद करना है। द इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ नेचुरल लॉगरिथम्स, वी शैल स्टडी दैम इन हायर क्लास, ये हाई क्लास में डिस्कस होंगे, बस इनके यहाँ पे उन्होंने फॉर्मूलाज डिफाइन कर दिए हैं कि वो नेचुरल लॉगरिथम के फॉर्म में इनके फॉर्मूलाज होते हैं। साइन इनवर्स एक्स जो होता है वो लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता है, इसी तरह कॉस इनवर्स एक्स हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स जो है वो इसके इक्वल होता है, टैन का भी कॉट का भी, सिकेंड इनवर्स जो हाइपरबोलिक का इनवर्स फंक्शन है और कोसिकेंड जो हाइपरबोलिक इनवर्स फंक्शन है उन सब के जो यहाँ पे है वो डिफाइंड है, यहाँ पे इन्होंने डिफाइन कर दिए ये एज इट इज है, इनको ड्राइव नहीं किया हुआ, ये बस एज इट इज याद करना। नेक्स्ट है एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन का मतलब होता है ऐसा फंक्शन जिसमें हम एक वेरिएबल को एक साइड पे ले जा सके और दूसरे वेरिएबल को दूसरी साइड पे, यानी एक वेरिएबल को हम दूसरे के टर्म्स में यानी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाली फॉर्म में हम लिख सकें, यानी एक तरफ y आ जाए और दूसरी तरफ x चला जाए, यानी y फंक्शन ऑफ x आ जाए, अगर ऐसे हम लिख सकते हैं तो फिर जो हमारे पास फंक्शन होता है वो एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है। इफ y इज इजिली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, देन इट इज कॉल्ड एन एक्सप्लिसिट फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये ऑलरेडी सेपरेट है, लेकिन ऐसे फंक्शन हो जो सेपरेट पहले से ना हो लेकिन वो सेपरेट हो सकते हैं वो भी हमारे पास एक्सप्लिसिट फंक्शन होते हैं। इसी तरह y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट आ जाता है, ये सारे एक्सप्लिसिट फंक्शन है क्योंकि हम इसमें से y को एक तरफ ले जाके x की तरफ लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो टाइप होती है वो होती है हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जिसमें हमारे पास x और y जो होते हैं वो इतने मिक्सड अप होते हैं कि उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते, उसको इंडिपेंडेंटली नहीं लिख सकते, यानी अगर हम यहाँ देखें इन दोनों टर्म्स में x है, इन दोनों टर्म्स में y है, यहाँ से हम ना x अलग कर सकते हैं ना y अलग कर सकते हैं, हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते, यानी x इसमें से अलग नहीं हो सकता और y इसमें से एक साइड पर नहीं जा सकती कोई भी टर्म। इसी तरह इसमें भी अगर हम देखें तो हमारे पास x और y बहुत मिक्सड अप है, हम y को और x से x वाली टर्म से अलग नहीं कर सकते, ये कंबाइन ही रहेंगी, तो ऐसे फंक्शन को हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं जिसमें इफ x एंड y आर सो मिक्सड अप सो एंड y कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, देन x इज कॉल्ड y इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x। फॉर एग्जाम्पल ये हमें एग्जाम्पल दी में कि हमारे पास इम्प्लिसिट इसलिए है क्योंकि इसमें से x और y को हम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। सिंबॉलिकली जो हमारे पास एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है उसमें हम देख सकते हैं y जो है वो इक्वल टू f ऑफ x, यानी y जो है वो x का फंक्शन है, यहाँ पर हमारे पास
जो टोटल फंक्शन है वो x और y, x और y की फॉर्म में है और वो इक्वल टू 0। इसको सिंबॉलिकली हम इस तरह से लिख सकते हैं कि पूरा फंक्शन जो है वो x और y की फॉर्म में है। अब नेक्स्ट हमारे पास है पैरामीट्रिक फंक्शन। पैरामीट्रिक फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जिसमें हमारे पास जो डिपेंडेंट और जो दोनों वेरिएबल्स होते हैं x और y, वो किसी और वेरिएबल पर डिपेंड कर होते हैं, यानी x y पर डायरेक्टली डिपेंड, x और y जो है वो किसी एक थर्ड वेरिएबल पर डिपेंड करें, और उस वेरिएबल को हम कह देते हैं पैरामीटर। समटाइम्स अ कर्व इज डिस्क्राइब्ड बाय एक्सप्रेसिंग बोथ x एंड y एज अ फंक्शन ऑफ थर्ड वेरिएबल t और थीटा। जरूरी नहीं हम t और थीटा लें, हम z भी ले सकते हैं, हम कोई और भी टर्म नेम ले सकते हैं। किसी एक जो x और y दोनों हैं वो किसी थर्ड वेरिएबल की फॉर्म में एक्सप्रेस किए होते हैं, और जो थर्ड वेरिएबल होता है उसको हम पैरामीटर कहते हैं। द इक्वेशन ऑफ टाइप x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड y इज इक्वल टू जी ऑफ टी, यानी यहाँ पे हमें दो इक्वेशंस, ये एक से ज्यादा इक्वेशंस दिए होंगे। जैसे हमारे पास सर्कल की इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, तो यहाँ पर सर्कल की एक इक्वेशन नहीं, मतलब सर्कल की इक्वेशन को दो पार्ट्स में दिया होगा, x भी दिया होगा उसमें और y भी दिया होगा उसमें अलग, और ये टोटल कंबाइंड जो होता है, तो हमारे पास ये तो हमारे पास सर्कल नहीं होता, लेकिन जो सर्कल की इक्वेशन है, जैसे ये हमारे पास है, ये वाली इक्वेशन हमारे पास a cos t और y इज इक्वल टू a sin t। इसको अगर हम देखें तो ये x अलग करके दे दिया और y अलग करके दे दिया, ये कंबाइन होकर x square plus y square is equal to a square बन जाती है। तो यहाँ पर हमें एक से ज्यादा इक्वेशन दी होंगी, और जो दोनों कोऑर्डिनेट जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं x और y, उनको किसी थर्ड वेरिएबल के फॉर्म में दिया होगा, और इसको हम कहते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन। हेयर द वेरिएबल t और थीटा इज कॉल्ड पैरामीटर। नेक्स्ट है हमारे पास इवन फंक्शन। इवन फंक्शन ऐसे फंक्शन होता है जिसमें हम फंक्शन में x की जगह माइनस एक्स को रिप्लेस करें और हमारे पास आंसर वापस से वही फंक्शन आ जाए, तो ऐसे फंक्शन हमारे पास इवन फंक्शन होते हैं। अ फंक्शन f इज सेट टू बी इवन इफ f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x, यानी फंक्शन में हम x की जगह माइनस एक्स पुट करें, लेकिन वापस से आंसर हमारे पास वही फंक्शन आ जाए जो ओरिजिनल फंक्शन था, फॉर एवरी नंबर x इन द डोमेन ऑफ f, फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर में आप x की जगह माइनस एक्स पुट कर दो, तो माइनस एक्स का स्क्वायर भी तो माइनस प्लस एक्स स्क्वायर ही बनेगा, तो यहाँ पर माइनस पुट करने से फंक्शन पे फर्क नहीं पड़ा। इसी तरह कॉस ऑफ एक्स जो है, कॉस ऑफ एक्स अगर हम एक्स की जगह माइनस एक्स से पुट कर दें, कॉस ऑफ माइनस एक्स जो होता है वो कॉस एक्स ही होता है। कॉस इवन फंक्शन है, वो नेगेटिव साइन को खत्म कर देता है, कंज्यूम कर लेता है, तो यहाँ पर हमारे पास ये एफ ऑफ एक्स के एक पर आ जाएगा। तो ऐसे फंक्शन जो नेगेटिव साइन को खत्म कर देते हैं, मतलब नेगेटिव साइन का कोई फर्क नहीं पड़ता, वापस से वही आंसर आ जाता है, ऐसे फंक्शन को इवन फंक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन हमारे पास ऐसे फंक्शन होते हैं जब हम एक्स की जगह नेगेटिव एक्स से रिप्लेस करें, तो फंक्शन तो हमारे पास वही सेम बन जाए जो पहला हमें गिवन फंक्शन था, लेकिन एक माइनस कॉमन निकला है बाहर, तो ऐसे फंक्शन को हम ऑड फंक्शन कहते हैं। जैसे हमारे पास एक्स क्यूब हो गया, अगर यहाँ माइनस एक्स पुट करेंगे तो जब पावर ऑड होती है, जैसे यहाँ पे इवन पावर थी, इवन पावर होती है नेगेटिव साइन खत्म हो जाता है, ऑड पावर होती है तो नेगेटिव साइन खत्म नहीं होता बल्कि साथ ही आता है, यानी माइनस टू टाइम्स मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं होती उसको। अब माइनस थ्री टाइम्स है, एक्स भी थ्री टाइम है, माइनस भी थ्री टाइम है, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस वापस से माइनस हो जाता, तो ये माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा, और ये हमारे पास जो एक्स क्यूब था वो एफ ऑफ एक्स था, तो हम इसको माइनस एफ ऑफ एक्स वाली फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये ऑड फंक्शन होता है। इसी तरह साइन ऑफ एक्स जो है वो भी हमारे पास ऑड फंक्शन होता है, क्योंकि वो नेगेटिव साइन को बाहर निकाल देता है, ये माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाता है। जो हमारे पास फंक्शन हैं जिनमें हमारे पास फंक्शन साइन इन्वॉल्व है, वो सारे जो फंक्शन होते हैं वो भी ऑड फंक्शन ही होता है। जैसे हमारे पास साइन ऑड फंक्शन है, इसी तरह हमारे पास टैन भी जो है वो ऑड फंक्शन होगा, टैन और इसी तरह कोसेकेंट भी हमारे पास ऑड फंक्शन होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास है इवन फंक्शन में कौन सा आ जाएगा, और कॉट में भी हमारे पास क्योंकि साइन नीचे होता है तो उसमें से साइन बाहर निकल जाता है, तो वो हमारे पास ऑड फंक्शन होता है, यानी इवन फंक्शन में हमारे पास कॉस आ जाता है, और कॉस का जो रेसिप्रोकल यानी हमारे पास जो कोसेकेंट सेकेंट होता है, सॉरी कॉस और सेकेंट जो है वो इवन फंक्शन है, क्योंकि सेकेंट में सिर्फ कॉस होता है और वो उसको इवन ही रहने देता है, लेकिन जो ऑड फंक्शन है साइन भी ऑड फंक्शन है। इसी तरह साइन का जो उलट फंक्शन होता है, और जो उसको हम रेसिप्रोकल लेने से या उलट करने से जो हमारे पास फंक्शन बनता है वो हमारे पास होता है कोसेकेंट, वो भी हमारे पास ऑड फंक्शन होता है। इसी तरह हमारे पास टैन में क्योंकि एक साइन इन्वॉल्व होता है, तो एक साइन उसकी वजह से हमारे पास बाहर आ जाता है, तो वो हमारे पास ऑड फंक्शन होता है। इसी तरह हमारे पास जो टैन का जो रेसिप्रोकल होता है वो हमारे पास कॉट होता है, तो वो भी हमारे पास ऑड फंक्शन होता है। और जरूरी नहीं है कि फंक्शन इवन या ऑड हो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पास
इवन भी नहीं होता ऑड भी नहीं होता, यानी हम अगर एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करें तो कुछ टर्म्स हमारे पास चेंज हो जाती हैं, कुछ टर्म के जैसे एक्स क्यूब है, अगर हमारे पास एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर होता तो एक माइनस एक्स क्यूब से तो माइनस निकल आता बाहर, एक्स स्क्वायर से माइनस खत्म हो जाता, तो हम कॉमन निकालते तो हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन नहीं बनता। तो जरूरी नहीं है कि फंक्शन इवन या ऑड हो, कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी हैं जहां पर हमारे पास फंक्शन ना इवन होता है और ना ही ऑड होता है। नेक्स्ट हमारे पास है, इन बोथ केसेस फॉर ईच एक्स इन द डोमेन ऑफ एक्स माइनस एक्स मस्ट बी इन द डोमेन ऑफ एफ, यानी अगर हम इवन और ऑड चेक कर रहे हैं तो हम फंक्शन की जो डोमेन है वो हमारे पास, अगर x हमारे पास डोमेन में है तो माइनस एक्स भी डोमेन, अगर हम माइनस एक्स से रिप्लेस करें तो माइनस एक्स भी हमारे पास डोमेन में ही होना चाहिए, उस माइनस एक्स पे फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर वन, शो दैट द पैरामेट्रिक इक्वेशन x इज इक्वल टू a cos t y इज इक्वल टू a sin t रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अभी हमने पैरामेट्रिक इक्वेशन पढ़ी, उसमें क्या होता है हमारे पास जो दोनों जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं वो किसी थर्ड वेरिएबल वाली फॉर्म में होते हैं। अब ये वो कह रहे हैं कि पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल है और ये हमारे पास रेक्टेंगुलर फॉर्म में जो हमारे पास सर्कल की इक्वेशन होती है वही इक्वेशन नॉर्मल इक्वेशन है। अब ये वाली इक्वेशन उन्होंने हमें शो करना है कि जो ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है वो एक्चुअली पैरामेट्रिक इक्वेशन है, ये हमें प्रूव करना है। अगर ये पैरामेट्रिक इक्वेशन हमारे पास रेक्टेंगुलर वाली एक्स या वाई वाली फॉर्म बना लें, एक कंबाइंड वाली फॉर्म, तो वो पैरामेट्रिक इक्वेशन सर्कल की होंगी, अगर नहीं बनाती तो वो पैरामेट्रिक इक्वेशन नहीं होंगी। यानी इनको हमने यूज करना है और इनसे हमने ये वाली फॉर्म बनानी है। हमें पहले स्टेप में नजर आता है x जो हमारे पास गिवन जो है x इज इक्वल टू a cos t है, y इज इक्वल टू a sin t है। अब इस फॉर्म में आने के लिए हमें एक तो x स्क्वायर चाहिए और एक y स्क्वायर चाहिए, तो हम क्या कर देते हैं पहले इन दोनों का स्क्वायर ले लेते हैं। यहाँ से x स्क्वायर आ गया, x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर cos स्क्वायर t, y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर sin स्क्वायर t, दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद क्योंकि हमें यहाँ पे ऐड करके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, ऐड करके ए स्क्वायर कॉमन निकल गया, कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी, कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी वन होता है क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो ट्रिग्नोमेट्रिक की आइडेंटिटी है उसका आंसर जो होता है वन के इक्वल होता है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आ गया। और ये प्रूव होगा कि ये सर्कल की पैरामेट्रिक इक्वेशन है क्योंकि ये वाली फॉर्म जो सर्कल की रेक्टेंगुलर वाली फॉर्म जो होती है वो फॉर्म को सेटिस्फाई कर देती है। नेक्स्ट है हमने प्रूव करने है कुछ आइडेंटिटीज या जो हमारे पास इक्वेशंस गिवन है वो हमने प्रूव करनी है। पहला हमारे पास है cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x इज इक्वल टू वन, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला भी हमारे पास गिवन है, cos हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला भी गिवन है, अभी हमने हाइपरबोलिक फंक्शन के फॉर्मूलाज पढ़े। अब हम cos हाइपरबोलिक का भी स्क्वायर ले लेंगे और साइन का भी स्क्वायर ले लेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे, अगर वो माइनस करने से वन के इक्वल आ जाता है तो ये ट्रू होगा, अदरवाइज ये प्रूव नहीं होगा। तो हाइपरबोलिक स्क्वायर था ये भी cos हाइपरबोलिक स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर ले लिया और उसका भी स्क्वायर ले लिया, नीचे टू जो था वो फोर हो गया, ऊपर क्योंकि दो टर्म्स थी तो a माइनस बी का स्क्वायर ओपन हो जाएगा और यहाँ a प्लस बी का स्क्वायर ओपन हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए और बी, क्योंकि ये 2x है और ये माइनस 2x है, तो जब a भी मल्टीप्लाई होगा तो ये 2x और माइनस 2x जीरो हो जाएगा, किसी चीज की पावर जीरो तो वो वन होती है, तो इसलिए e टू रेस पावर जीरो होगी और वन होती है, इसलिए लिखा हुआ नहीं है। नेक्स्ट है cos हाइपरबोलिक स्क्वायर, इसमें भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए और बी आ जाएगा, इन दोनों की पावर जब ऐड होंगी तो जीरो आ जाएगा, e टू रेस पावर जीरो इक्वल टू वन, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। इन दोनों को हमने माइनस किया, माइनस करने एलसीएम क्यों नीचे दोनों का सेम है तो इसे फोर हमारे पास एलसीएम आ गया, एलसीएम आने के बाद ऊपर वाली टर्म्स को कंबाइन कर दिया, क्योंकि अगर नीचे दोनों में सेम हो तो हम ऊपर वाली टर्म्स को कंबाइन कर सकते हैं साइन के साथ, जैसे ये माइनस हो तो सेकंड वाली सब माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, फोर डिवाइड बाय फोर और ये इसके इक्वल वन के इक्वल आ गया, ये फर्स्ट है वो प्रूव हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, प्रूव करना था कि वो कॉस हाइपरबोलिक टू एक्स के इक्वल होता है, तो हम क्या करेंगे cos हाइपरबोलिक स्क्वायर हाइपरबोलिक स्क्वायर x हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, sin हाइपरबोलिक स्क्वायर x अभी हमने क्वेश्चन में इससे पहले वाली जो एग्जांपल थी उसमें फाइंड आउट किए, अब इनको हम दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद LCM लेंगे, जब इन दोनों का हमने LCM लिया तो वो हमारे पास ये प्लस टू और ये माइनस टू कैंसिल आउट हो गया, ये भी टू टाइम्स है और ये भी टू टाइम्स है, ये टू टाइम्स आ गया, नीचे से कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास जो हाइपरबोलिक cos हाइपरबोलिक सिंपल cos हाइपरबोलिक होता है वहां पर x के साथ, यानी x के, तो यहाँ पर हमारे पास ई एक्स होता है प्लस ई माइनस एक्स होता है,
लेकिन जब यहाँ 2x है और ये -2x है तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। बाकी सब कुछ एज वैसे के वैसे, यहाँ पे x और यहाँ माइनस एक्स होता था तो यहाँ पे हम cos हाइपरबोलिक x लिखते हैं, यहाँ 2x और यहाँ -2x है तो ये cos हाइपरबोलिक 2x का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये प्रूव हो गया कि हमारे पास जो आइडेंटिटी गिवन है वो सच में प्रूव है। डिटरमिन वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर इवन और ऑड। हमने चेक करना है जो फंक्शंस इवन है या ऑड है। इवन या ऑड हम चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स को हमने माइनस एक्स से रिप्लेस करना है। अगर वापस से वही फंक्शन एफ ऑफ एक्स बन जाए तो इवन है, अगर माइनस एफ ऑफ एक्स बन जाए तो ऑड है, और अगर दोनों में से कुछ नहीं बनता, मतलब ना एफ ऑफ एक्स बनता है ना ही कॉमन निकल के एफ ऑफ एक्स बनता है, तो हमारे पास वो फंक्शन ना इवन होगा और ना ऑड होगा। ये पहला हमारे पास एग्जाम्पल, पहला पार्ट जो दिया हुआ एग्जाम्पल में हमारे पास 3x टू पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7, इसमें हमने x की जगह माइनस x रिप्लेस किया, ये x की पावर 4 थी, नेगेटिव साइन खत्म, यहाँ x स्क्वायर था, यहाँ भी नेगेटिव साइन खत्म, एज इट इज हमारे पास वापस से फंक्शन रिपीट हो गया, ये f of x के इक्वल आ गया, इसका मतलब जो फंक्शन है वो इवन है। अब माइनस x से रिप्लेस किया, माइनस एक्स से रिप्लेस करने के बाद हमारे पास यहाँ तो नीचे तो था एक्स स्क्वायर, वहाँ खत्म हो जाएगा नेगेटिव साइन, डिनोमिनेटर सेम टू सेम वैसे ही आ जाएगा, लेकिन न्यूमिरेटर में क्योंकि ऑड है तो यानी पावर 1 है तो ये वाला नेगेटिव साइन खत्म नहीं होगा और ये हमारे पास माइनस एज इट इज 7 आ जाएगा, यहाँ पे इक्वल भी आएगा, यहाँ पर इक्वल आना, इक्वल का साइन 3 माइनस 3 ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, यानी माइनस का साइन बाहर कॉमन आ गया और ये पूरा एफ ऑफ एक्स बन गया, ये माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया, इसका मतलब क्या है जो फंक्शन है वो ऑड है। नेक्स्ट हमारे पास साइन ऑफ एक्स और प्लस कॉस ऑफ एक्स दिया हुआ है, और ऐसी एग्जाम्पल में जहां पर एक इवन और एक ऑड फंक्शन प्लस माइनस हो रहे हो वहीं पर ऐसा ही होता है कि वो इवन या ऑड नहीं होते। अब साइन ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास ऑड फंक्शन है, उसमें नेगेटिव साइन कॉमन निकल जाएगा, कॉस ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास इवन फंक्शन है, वो एज इट इज नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा। अगर हम इसमें से कॉमन निकाल भी लें तो साइन ऑफ एक्स हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन हमारे पास फंक्शन में तो दोनों पॉजिटिव है, किसी भी तरह से हमारे पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ही रहेगा, फंक्शन वाली फॉर्म नहीं बनती चाहे हम कॉमन निकालें चाहे ना निकालें, तो ये हमारे पास ना इवन फंक्शन है और ना ही ऑड फंक्शन है। तो ये सारे एग्जांपल्स कंप्लीट हो गई, अब नेक्स्ट हमने एक्सरसाइज पढ़नी है 1.1, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।